हेलो फ्रेंड्स, भूमिज किचन व्लॉग में आपका स्वागत है। अब तक हम स्ट्रीट स्टाइल में आपको रेसिपी शेयर कर रहे थे, आज हम मोहित भाई के हाथों से कटहल की सब्जी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इन्होंने तेल को गर्म किया और कटहल को काट के अच्छे से इसमें डीप फ्राई किया और इन्होंने सारा कटहल इसके अंदर डाल दिया। इसको कंटिन्यू डीप फ्राई करेंगे और इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से फ्राई नहीं होता। इसको फुल आँच पर इसको फ्राई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है और ये अच्छे से जब ब्राउन हो जाएगा तो ये मोहित भाई इसको निकाल लेंगे। आप फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं निकालना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अच्छे से डीप फ्राई हो चुका है, कटहल निकाल रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से निकालें कि इसमें जो ऑयल है वो सारा रिलीज़ हो जाए बिल्कुल, और इसी तेल के अंदर ये सब्जी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखते रहिए एक हमारे बड़ियाल कला मोहित भाई की जुबानी। कढ़ाई में तेल डाला 1.5 चम्मच, उसमें जीरा, हींग, और अब जो इनका जो तेल था कटहल का वो भी इसमें वापस डाल दिया, और जो बारीक कटे हुए प्याज थे इन्होंने 2 बड़े बारीक कटे हुए प्याज लिए और इसमें डाल दिए। बिल्कुल देसी स्टाइल के तरीके से इन्होंने कटहल की सब्जी बनाई है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही टेस्टी दिख रही है। फ्रेंड्स, अभी ये प्याज को फ्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। बिल्कुल परफेक्टली देसी स्टाइल कटहल की सब्जी आपने देखी तो बहुत होगी, पर इस स्टाइल से आप बना के खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा तड़का लगेगा। अब इसे गोल्डन ब्राउन करके थोड़ा सा जब तक पका लेते हैं, और साथ में इन्होंने टमाटो भी बड़े प्यार से छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कट करके रख दिए हैं, और सभी मसाले इन्होंने पानी के अंदर कटोरी में मिक्स करे, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, अच्छी खासी इसमें पका लेंगे तेल के अंदर, और सभी मसाले इस प्याज के अंदर इन्होंने डाल दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने टमाटर कट करके रख रखे थे और पहले से ही चॉप कर लिए, और इसी में वो इसके अंदर डाल देंगे जब तक कि ये पकता है, उसके बाद ये टमाटर इसके अंदर डालेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी इसने हमारा तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है मसाले ने। ये बिल्कुल अच्छे से भुनने के बाद जो इसकी खुशबू आएगी उसके बाद ये टमाटर की प्यूरी इसमें डाल देंगे। बिल्कुल परफेक्टली कलरफुल बिल्कुल लग रहा है, बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ रहा है। साथ में इसको और पकाएंगे। अब हमने पहले प्याज फ्राई किए थे, साथ में इन्होंने टमाटो डाला है। अब 10 से 15 मिनट तक इसको कंटिन्यू हिलाएंगे और पकाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक पकाएंगे जब तक कि ये तेल रिलीज़ नहीं हो जाता है। 1 चम्मच इन्होंने नमक डाला है, आप स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारी ग्रेवी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बन रही है। ये मोहित भाई के हाथों की ग्रेवी है, बिल्कुल परफेक्टली ढाबा स्टाइल देसी तरीके से कटहल की सब्जी जो घर में आसानी से बनाई जा सकती है। इन्होंने गरम मसाला डाला है 1 चम्मच। हर स्वाद अपने अनुसार कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसे मिर्च हुई, नमक हुआ, ये अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जब हमारी ग्रेवी पककर रेडी हो जाए, जो इन्होंने फ्राई किया था कटहल, अब इस ग्रेवी के अंदर इन्होंने छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली तरीके से देसी स्टाइल में बना रहे हैं, और अब कटहल में इस ग्रेवी के साथ मिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल चारों तरफ से लेकर इन्होंने इसको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। कटहल के पीसेस पर जो ग्रेवी है वो पूरी तरीके से लिपट जाए, इसको अच्छे से मिक्स कर चुके हैं, और थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पानी दिखाई दे रहा है,
तो इसको 5 से 10 मिनट तक और पकने देंगे और ये सब एक लिपटवा कटहल की सब्जी परफेक्टली तरीके से रेडी हो जाएगी। वैसे फ्रेंड्स आपको दिखने में सुंदर लग रही होगी और ये बहुत ही अच्छी प्यारी कटहल की सब्जी रेडी हो चुकी है।